अपना क्वेश्चन है, लिमिट एन टेंड इन टू इन्फिनिटी वन प्लस वन बाई टू प्लस वन बाई फोर प्लस डॉट 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 प्लस वन अपॉन टू की पावर एन अपॉन वन प्लस वन बाई थ्री प्लस वन अपॉन नाइन प्लस से लेकर वन अपॉन थ्री की पावर एन, हमें इसकी लिमिट है वो फाइंड करनी है, राइट। सी, सबसे पहले देखते हैं कि जो ऊपर वाला न्यूमरेटर जो लिखा हुआ वो क्या लिखा हुआ, वन प्लस वन बाई टू प्लस वन बाई फोर प्लस, राइट। सी, जो ये क्या है, एक ए पी है, वन प्लस वन बाई टू प्लस वन बाई फोर, ये क्या बनी हुई है, ये एक, सॉरी ए पी नहीं, ये एक क्या है, जी पी, राइट, जिसका फर्स्ट टर्म है वन और जिसका आर क्या होगा, वन अपॉन टू डिवाइडेड बाई वन इजकल टू वन बाई टू, राइट। जिसका आर है हाफ और फर्स्ट टर्म है ए, तो एक जी पी का सम कितना होता है, ए इंटू वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर, राइट। तो इसका सम कितना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म है वन माइनस आर कितना, हाफ की पावर एन अपॉन वन माइनस हाफ, सो फाइनली इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन माइनस हाफ की पावर एन और ये हो जाएगा अपॉन में हाफ, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, टू। तो ये हो जाएगी इसकी वैल्यू, टू ट्वाइस ऑफ वन माइनस वन बाई टू की पावर एन, राइट। इसी तरह से जो ये टर्म लिखी हुई है ये भी क्या है, अपनी एक जी पी में, राइट। तो इसका फर्स्ट टर्म कितनी है, एक, और जो इसका आर है वो कितना है, वन बाई थ्री, तो इसका सम हो जाएगा ए इंटू वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर, तो ये हो जाएगा वन इंटू वन माइनस वन बाई थ्री की पावर एन अपॉन वन माइनस वन बाई थ्री। इसको सॉल्व करेंगे तो वन माइनस वन बाई थ्री कितना आएगा, टू बाई थ्री, तो कितना हो जाएगा ये, थ्री बाई टू इंटू वन माइनस वन बाई थ्री की पावर एन, राइट। सो हम जो ये टर्म लिखी हुई है, लिमिट एन टेंड इन टू इन्फिनिटी वन प्लस वन बाई टू प्लस वन बाई फोर प्लस से लेकर वन अपॉन टू की पावर एन लिखी हुई है अपॉन वन प्लस वन बाई थ्री प्लस वन बाई नाइन से लेकर जो ये वन अपॉन थ्री की पावर एन तक लिखा हुआ है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ वन माइनस वन बाई टू की पावर एन, ये यहाँ पर जाएगा इक्वल टू लिमिट एन टेंड इन टू इन्फिनिटी, इसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा टू बाई थ्री, सॉरी ये जाएगा थ्री बाई टू, ये जाएगा थ्री बाई टू इंटू वन माइनस वन बाई थ्री की पावर एन, राइट। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जाएगा लिमिट एन टेंड इन टू इन्फिनिटी, थ्री बाई टू को ये ऊपर चला जाएगा टू, हो जाएगा फोर बाई थ्री, फोर बाई थ्री इंटू वन माइनस वन अपॉन टू की पावर एन अपॉन वन माइनस वन अपॉन थ्री की पावर एन, राइट। अब देखो यदि एन टेंड इन टू इन्फिनिटी है, राइट, एन टेंड इन टू इन्फिनिटी है तो ये क्या बन गया, वन अपॉन टू की पावर इन्फिनिटी, तो टू की पावर इन्फिनिटी कितना हुआ, इन्फिनिटी मतलब वन अपॉन इन्फिनिटी, और ये कितना हुआ, जीरो, तो फाइनली ये कितना बन गया, जीरो। इसी तरह से जो ये वाली टर्म है ये हो जाएगी वन अपॉन थ्री की पावर इन्फिनिटी मतलब वन अपॉन इन्फिनिटी, ये भी कितनी बन जाएगी, जीरो। सो फाइनली अपने पास आंसर कितना जाएगा, फोर अपॉन थ्री, राइट। सो इसमें सबसे मेन चीज़ यही थी कि हमें जो ये टर्म लिखी हुई है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ये जी पी में लिखा हुआ है, तो हमें इसको एक एस एन में कन्वर्ट करना था, और बस एस एन में कन्वर्ट करते इसको सिंप्लीफाई करते हमारा आंसर आ जाएगा 4/3।